वहीं रादौर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने सहारनपुर कुरुक्षेत्र मार्ग के त्रिवेणी चौक और औरंगाबाद में ओवरलोड वाहन चालकों, कमर्शियल वाहनों, सवारी गाड़ियों और परमिट बस चालकों पर करीब 4,33,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। टीम की इस कार्रवाई से सड़क मार्ग से गुजर रहे वाहन चालकों में हड़कंप देखा गया और वाहन चालक दाएं बाएं से गुजरने का प्रयास करते नजर आए हैं, जबकि कुछ वाहन चालकों ने अपने वाहनों को पीछे ही रोक लिया। जब तक सड़क मार्ग पर विभाग की कार्रवाई चली, ऐसे वाहनों के पहिए वहीं पर थमे रहे। उड़न दस्ते की टीम लीडर दिनेश कुमार ने बताया है कि सड़क मार्ग पर ओवरलोड वाहनों की समस्या काफी अधिक थी। प्रशासन के पास शिकायतें भी ओवरलोड की अधिक आती है। वही कुछ वाहन चालक भी सरकार द्वारा तय नियमों को तोड़ रहे हैं। सड़क से गुजर रहे कमर्शियल वाहन भी नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। बिना लाइसेंस कुछ वाहन चालक सवारियां भी बिठा रहे हैं तो कुछ परमिट लेकर अधिक सवारियां भी बिठाए हुए हैं। आज सरकार द्वारा आदेश जारी हुए थे कि तीन डिस्ट्रिक्टों में अम्बाड़ा, जमुनानगर कुरुक्षेत्र में ओवरलोडिंग बसों की और क्या नुस्खा जितने भी ऐसे हैं जो है ना, मतलब ओवरलोड वगैरह चलते हैं, बिना टैक्स के चलते हैं, उनकी चेकिंग की जाए। जिस बिना पर आज यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में चेकिंग हमारे द्वारा चेकिंग की गई, आरटीओ स्टाफ और अन्य उसको विभाग को साथ लिया गया और उस चेकिंग